हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके सामने जो है होममेड ब्रा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए जो मैंने जो है कपड़ा लिया हुआ। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी जो चेस्ट, हमें जो चेस्ट का नाप लेना है सबसे पहले, कि हमारी चेस्ट कितनी है और कमर कितनी है। इसमें जो है ये जो मैं ब्रा बनाने जा रही हूँ, इसकी जो छाती है वो है 36 इंच, इसलिए मैंने इसके लिए उसका चौथा भाग लिया हुआ है 9 इंच। ये देखिए, ये चौड़ाई में जो है, ये देखिए यहाँ से 9 इंची कपड़ा है और 9 इंच यहाँ पर लंबाई से कपड़ा है। ये चारों तरफ से 9-9 इंची कपड़ा लिया हुआ है। कमर में इस ब्रा की जो 28 इंच है, तो मैंने ये कपड़ा जो है 14, इसका जो डबल है वो 14 इंच हुआ, तो 14 इंच जो है कपड़ा लंबाई में लिया हुआ है और चौड़ाई में जो है 3 इंच लिया हुआ है कपड़ा। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, और मेरे पास जो पुरानी ब्रा है उसके जो मैंने ये देखिए हुक और ये आई वगैरह निकाली हुई है, और ये स्ट्रिप भी उसी की निकाली हुई है, मैं इसी में इसको ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए, ये कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड मारना है, चार तरह लगाने इसके। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड मार दिया मैंने। इस कोने में जो इसमें इस तरह से निशान लगाना है दोनों साइड। ये देखिए, मैंने दोनों में जो यहाँ जिसका मिड पॉइंट है वहाँ पर निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, ध्यान से देखना, ये जो एक कोना है और एक कोना है, ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड मारना है, इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे सीधा आना चाहिए हमारे, इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर सिलाई डाल के, ये देखिए ये जो हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ से हमने सिलाई डालनी है और दोनों साइड से सिलाई डालनी है। अभी सिलाई डाल के बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ से सिलाई डाली और फिर इस कोने से, ये देखिए जहाँ पर मेरे निशान लगा था चौक का, यहाँ से और इधर से जो मैंने, ये देखिए यहाँ से सीधी सिलाई डाली, ये जो मैंने दोनों इस तरह से दोनों कप सिल दिए। अब मैंने क्या करना है, इनमें हमें जो है, ये देखिए, ये देखिए मैंने दोनों कप इकट्ठे रखे। अब हमने ये देखना है, जो हमारी ये सीधी लाइन आई हुई है, ये दोनों सीधी लाइन है जो हमने ऐसे इस तरह से दोनों आनी चाहिए, और रेबदार सिलाई हमारी निचली तरफ को आनी चाहिए। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इस तरह से इनको पकड़ना है। पहले सबसे पहले इसमें जो है डबल सिलाई डाल देनी है, यहाँ से इस कोने तक। ओके, ये देखिए मैंने इसमें डबल सिलाई डाल दिया। अब मैंने इस तरह से इसको यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस तरह से हल्का सा ऐसे फोल्ड मार कर इस तरह से, ताकि इसकी फिनिशिंग जो हमारी अच्छी दिखे, इस तरह से इसमें जो है सिलाई लगानी है। ओके, ये देखिए यहाँ से जो इसकी फिनिशिंग बड़ी सुंदर हो गई है, यहाँ से भी कोई पता नहीं लगता भी कहाँ से सिलाई डाली हुई है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने जो इस कोने से इसमें सारे से में जो सिलाई डाल देनी है। इसमें किस तरह से, इस तरह से इसको फोल्ड करना है हल्का सा, और इस तरह से इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें पूरे में जो है इस तरह से सिलाई लगा दी है। देखिए, अब आप चाहे तो इसमें जो है स्टिप लगा सकते हैं, ये जो आपने पुरानी स्टिप ली हुई है, देखिए इधर इस तरह से, जो आपकी सीधी साइड है, जैसे ये आपकी सीधी साइड है, इसमें यहाँ से इस तरह से इसमें जो यहाँ पर आप सिलाई डालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी सिलाई डालकर जो इसको ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो डोरी, एक डोरी के नीचे के लिए कपड़ा लिया, उसको अब ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 3 इंच जो है चौड़ाई में लिया हुआ है, और जो है 28 इंच जो है लंबाई में लिया हुआ है सारा ही, और मैंने यहाँ जो मिड पॉइंट वहाँ पर जो है टुक लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ से जो है इसको इस तरह से, इसमें मिड पॉइंट यहाँ से और दूसरे कोने तक जो इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें कपड़ा ऐड कर दिया। अब मैंने जो इसमें जो साइड में रखा हुआ, हमने 14 लिया हुआ है ना डबल करके, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे आधा इंच का इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, और ये देखिए इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा है। अगर हमने यहाँ पर इसमें इसको हुकों को लगाना इस तरह से, तो इसका भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा खुली ना हो हमारी, इसलिए हमें जो इसको एक्स्ट्रा, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें 28 में, इसको मैं इस तरह से अंदर को फोल्ड कर दूंगी, ताकि मेरा जो है कमर का जो नाप है वो 28 ही आए, उससे बढ़े या घटे नहीं। और बाकी अगर मेरे को टाइट हो तो मेरे लूजिंग के लिए मेरे पास दो और हुक है इसमें, इसको मैं ऐड करती हूँ। इसमें इसको ऐड किस तरह से करना, ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ से भी हल्का फोल्ड मारा हुआ है, और इस तरह से इसको यहाँ से फोल्ड मारना है जितना जो ये है इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है इसको।
इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से इसको, ये देखिए इस तरह से इसमें अंदर ऐड करना है, और इसमें यहाँ से सिलाई डालनी है। ये देखिए मैंने इसमें जो है बहुत सारी सिलाई डालकर जो है इसमें इसको स्टिच कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें जो है यहाँ से इस तरह से रख करके इसके ऊपर से सिलाई डालूँगी, इस तरह से यहाँ से जो है पूरे में। और जब मैं इस सिरे में पहुँच जाऊँ, सॉरी पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच पर यहाँ पर टुक लगाया हुआ है। यहाँ पर आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी, जहाँ पर आपकी जो परफेक्ट वो ये डोरी स्टिच होती है वहाँ पर लगा देना। ये देखो इस तरह से पहले मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर स्टिच करूँगी, इस तरह से मैंने 3 इंच पर यहाँ निशान लगाया हुआ है, 3 इंच पर इस तरह से मैं इसको दोनों को जो इस तरह से स्टिच करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई डालूँगी। देखिए मैंने दोनों डोरी जो स्टिच कर दिया। अब मैंने इस साइड से जो है यहाँ से सिलाई डालनी है, और दूसरी साइड तक बाद में जो इसको ऐड करना है, इसकी आइए जो उसको ऐड करना है। ये देखिए मैंने पूरे में इसमें सिलाई डाल दी है, हमारी बड़ी अच्छी फिनिशिंग हुई है इसकी। अब हमने इस तरह से पहले देखना है कि हमारा जो है 28 है, तो उससे एक्स्ट्रा तो कपड़ा नहीं बड़ा हुआ, या हमारे पास बहुत लूज़ दोनों होगी हमारी ब्रा। इस तरह से हमने चेक करना है यहाँ से, इस तरह से देखिए जहाँ पर हमारी 14 आई वहाँ पर, ये देखिए पूरी पूरी हमारी आई। अब यहाँ पर हम हल्का सा फोल्ड मारेंगे इस तरह से, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा जो है काट दिया। और ये देखिए लूजिंग के लिए हमारे पास पहले इसमें आई जो 3 है, 1 2 3 पर कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सीधे उल्टे का ध्यान रखना, ये हमारी हुक इस तरफ से लगी हुई है ना, तो हमने इस तरफ से कहीं ऐसे तो नहीं लग गई है, तो हमारी इसी तरह से लगनी चाहिए। तो हम इसमें भी इस तरह से 3-4 सिलाई लगाएंगे, इसको इसके इस तरह से अंदर को ऐड करेंगे इसको, और फिर यहाँ से पूरे में सिलाई डालूँगी। मैं आपको हर प्रकार की वीडियो देती रहती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो देती रहूँ। ये देखिए बड़ी ही सुंदर ब्रा बनी है। थैंक यू।